भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं है कोच में इस वक्त, पूरा कोच बिल्कुल खाली पड़ा है। ये वरना ज़्यादातर तेज का में जो है वो जेट सी लगा हुआ होता है। मिल्लत एक्सप्रेस वाली के निकल चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेन की तरफ। ये जो है ये कराची एक्सप्रेस खड़ी हुई है, मुझे जाना है अपनी तेजगाम में। ये भाई बैठकर व्हील्स देख रहे हैं, व्हील्स की इंस्पेक्शन हो रही है कि कहीं किसी व्हील में कोई मसला तो नहीं है। हाँ माना कि ये काफ़ी चलता हुआ रूट है, लेकिन इतना भी चलता हुआ नहीं है कि सारी ट्रेनें ही इस रूट पर चला दी जाएं और बाकी रूट्स को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर और सीन ये है कि आज जो है वो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ रहीमिया खान से लेकर कराची तक का। और आज की जो हमारी ट्रेन है वो है रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली एट डाउन तेजगाम एक्सप्रेस। तो मैं इस वक्त जो है वो रहीमिया खान रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ, यानी कि मेन डाउन प्लेटफॉर्म पर, और ये स्टेशन के कुछ हालात हैं। तो मेरी घड़ी में जो है वो बैटरी लो हो चुकी है, टाइम तो मैं आपको घड़ी से दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने एक घड़ी लगी हुई है जिसमें 10:21 हो रहे हैं और हमारी एट डाउन तेजगाम जो है वो इस वक्त खानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। और खुशी की बात यह है कि ट्रेन इस वक्त तकरीबन 3 अर्ली चल रही है, यानी कि वक्त से 3 पहले। तो आज की हमारी एट डाउन तेजगाम के आगे आगे जो है वो इस वक्त 10 डाउन अलाम इकबाल एक्सप्रेस चल रही है और 10 डाउन में जो है वो लाहौर शॉर्टकट ZC36316 लगा हुआ है, जबकि हमारी 8 डाउन तेजगाम में लगा हुआ है GU49033, यानी कि लोकोमोटिव का बादशाह लगा हुआ है आज तेजगाम में। वरना ज़्यादातर तेजगाम में जो है वो ZC लगा हुआ होता है। ये आपने घंटे सुनी, ये थी 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस की जो कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। देखते हैं कि हमें शहरी में क्या मिलता है और शहरी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कि अगर कोई मुसाफिर जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो ट्रेन में तो मुझे नहीं ख्याल कि कुछ अच्छा मिलेगा, तो इसीलिए रोहड़ी जंक्शन पर जाकर देखेंगे कि हमें शहरी के लिए क्या मिलता है। और शहरी जो है वो इंशाल्लाह हम रोहड़ी पर करेंगे, यानी कि रोहड़ी से ले लेंगे। तो रमज़ान में जो है वो मुसाफिरों का रश काफ़ी कम होता है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है तकरीबन। हालांकि 2 ट्रेनों ने आना है अभी अलामा इकबाल और तेजगाम ने, लेकिन इतना रश देखने को नहीं मिल रहा। जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी वैसे वैसे ट्रेनों में रश जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो 10 डाउन अलामा इकबाल सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली हमारे सामने से आ रही है ZC36316 के साथ। तो शुरू के कोचेज में जो सिंगल सीट्स हैं वो तकरीबन खाली हैं, लेकिन बर्थें जो है वो तकरीबन फुल हुई हुई हैं। तो सिर्फ 2 रुकने के बाद 10 डाउन जो है वो निकल रही है कराची के लिए।
रहीमिया खान स्टेशन पर लामा इकबाल के जाने के बाद हल्के फुल्के स्नैक्स जो हैं वो हमने ले लिए हैं, क्योंकि सैरी में जो है वो भी काफ़ी टाइम है और हल्की फुल्की भूख जो है वो रास्ते में ज़रूर लगेगी। खैर स्टेशन पर जो है वो लेज ही होता है, लेज के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है आपको, तो इसलिए मजबूरी है लेज लेना, वरना मैं कभी भी लेज नहीं लेता। तो घड़ी जो है रहीमिया खान रेलवे स्टेशन की तकरीबन 4 मिनट आगे चल रही है और हमारी 8 डाउन देसराम जो है वो तकरीबन 11:05 तक पहुंच जाएगी रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर। बाकी अब ट्रैक के जो है सिग्नल ग्रीन है, शायद कोई माल गाड़ी आ रही है अपने, उसका इंतज़ार करते हैं और उसे यहाँ से थ्रू पास होता हुआ देखते हैं। तो ये माल गाड़ी तो आ गई है बिल्कुल मेरे सामने से। एनएलसी का लोकोमोटिव लगा हुआ है, काफ़ी क्रिस्पी विसल है लोकोमोटिव का। पता नहीं ये ट्रेन है या खाली इंजन है, मुझे तो खाली इंजन लग रहा है, खाली इंजन ही है। तो दोस्तों 11:04 पर हमारी ट्रेन की जो है वो घंटी लग चुकी है और ट्रेन की लाइट जो है वो भी दिखना शुरू हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ट्रेन इस वक्त तकरीबन 10 मिनट लेट चल रही है सिर्फ, तो उम्मीद है कि 11:10 तक ट्रेन हमारे पास होगी प्लेटफॉर्म पर। तो अब प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी सवारियां जो है वो इंतज़ार में हैं ट्रेन के। तो अप में इस वक्त आ रही है कराची पेशावर के दरमियान चलने वाली 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि इस वक्त 7 कवर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और बस कुछ ही देर में पहुंच जाएगी यहां पर। तो ये आ चुकी है डाउन देसगाम एक्सप्रेस रहीमिया खान रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। GU 4903 आज ट्रेन को हॉल कर रहा है लाहौर से लेकर कराची तक और अब जो है वो फ्रेम ख़राब करने के लिए काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे हमेशा की तरह। देखा सही एक्सपेक्ट किया था मैंने बिल्कुल। आज का मेरा कोच है कोच नंबर 2 यानी कि ये वाला, लेकिन इंजन के पीछे के जो कोचेज हैं कोच नंबर एक्स्ट्रा 1 और एक्स्ट्रा 2 या एक्सटेंशन 1 और एक्सटेंशन 2 ये बिल्कुल खाली हैं। ये चेक करें, बिल्कुल खाली है, कोई भी मौजूद नहीं है, सारे सिंगल सीट्स और सारी बर्थ वगैरह सब खाली हैं। तो क्यों ना अपना सफ़र जो है वो इन कोचेज़ में करते हैं ताकि लोकोमोटिव के भी करीब रहें हम और लोकोमोटिव की आवाज़ें भी जो हैं हम पूरे रास्ते सुनते हुए जाएं। मेरा वैसे कोच नंबर 2 है और कोचेज जो है दोनों सेम हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसे में जाएं या उसमें जाएं। ये चेक करें, जाहिर सी बात है लाहौर से जो है ये खाली आ रहे हैं कोचेस, तो मिट्टी जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तो फिलहाल के लिए ये सीट नंबर 67 मैंने तैयार कर ली अपने बैठने के लिए, थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया है, बाकी ये केबिन भी खाली है। तो यहाँ से भी वीडियोस जो है बनती रहेंगी। ट्रेन जो है हमारी वो डिपार्ट कर रही है रहीमिया खान से 2 मिनट रुकने के बाद। तो तेज़गाम का जो है वो किराया आम ट्रेनों से ज़्यादा है, जिस वजह से ज़्यादातर लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करने को तरजीह नहीं देते। तो पहले हमारा सफ़र जो शुरू हो चुका है इसे इन्जॉय करते हैं G40 के साथ।
जामिया खान रेलवे स्टेशन को अलविदा कह दिया है ट्रेन ने और अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट हॉल्ट यानी डोरी की तरफ। दोस्तों अभी अभी जो है वो आपने देखा कि पाकिस्तान एक्सप्रेस ने हमें क्रॉस किया है और इसके चलते हम लोग जो है वो पंजाब से सिंध में एंटर हो चुके हैं। रेती रेलवे स्टेशन अब से कुछ ही देर पहले गया है और अब ढाई की रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। ठहरगी के बाद मीरपुर माथेलो में एंटर हो चुके हैं और ये SFC मीरपुर माथेलो बिल्कुल मेरे सामने है। तो सरहद रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद नेशनल हाईवे जो है वो हमारे बिल्कुल बराबर में आ चुका है, लेकिन इस वक्त नेशनल हाईवे पर इंतहाई सन्नाटा छाया हुआ है और बहुत देर देर में कोई गाड़ी आते जाते दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक एक भी गाड़ी नहीं आई है।
दोस्तों ठीक फोन एक से हमारे से रिसीव करने जा रही है। बड़ा धुआंधार स्किप किया है ट्रेन ने, लेकिन बदकिस्मती से जो अब मेन लाइन है उस पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, जिस वजह से मेन स्टेशन बिल्डिंग नहीं दिखती। तो फौरन ही मैंने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सामने वाली विंडो से इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की, कि जिसमें काफ़ी अंधेरा था और जितना आ सका वो मैं आपको दिखा सका। तो पानी पर चांद का रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दो दो चांद है। ब्रेक हो गया तो ये पन्नों के से पहले जो है ट्रेन के ब्रेक कितना शुरू हो चुके हैं, शायद ट्रेन यहाँ पर रुक कर चले या फिर कॉशन वगैरह लगा हुआ होगा यहाँ पर। मैंने काफ़ी अच्छा चलते हुए आ रही है ट्रेन, और इस वक्त तक ट्रेन जो है तकरीबन 5 मिनट बिफोर चल रही है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो रोड़ी जंक्शन जो है कुछ ही देर में आने वाला है, और कोच का ये आलम है कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा, यहाँ भी कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, जबकि एक दो लोग हैं सिर्फ जो कि पीछे केबिन्स में बैठे हुए हैं, बाकी पूरा कोच जो है वो खाली है। दोस्तों 1:30 बजे जो है हमारी ट्रेन को अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सिग्नल डाउन है हमारी ट्रेन के लिए। ये जो लाइट आपको दिख रही है ये है 17 मिलियन एक्सप्रेस की, जिसका सिग्नल जो है वो डाउन हो चुका है, और ये भी निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है रोड़ी जंक्शन से। हमारी ट्रेन जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को मेंटेन कर रही है, जो ट्रेन काफी तेज आई है पीछे से। मिल्लत एक्सप्रेस वे के निकल चुकी है, Thank you.
ये सांगी ने ब्लैक एक्सप्रेस रोड जंक्शन पे हमारे ट्रेन टाइपो नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए और शायद टाइम में लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है। बिल्कुल बराबर में ही लगी हुई है टैंड डाउन अल्लामा इकबाल, देख सकते हैं आप। और ये पीछे के 4 से 5 कोचेस तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर ही नहीं लगे हुए, तो डिपार्चर के वक्त देखेंगे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म आपको दिखता कैसा है। इवन 4 से 5 कोचेज हैं जो कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म से आउट है। काफ़ी स्लो अराइव कर रही है हमारी ट्रेन रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। दोस्तों रोड़ी जंक्शन पर आकर हमारी ट्रेन जो है वो रुक चुकी है और मैं जा रहा हूँ शहरी का कुछ ढूंढने। AS रेस्टोरेंट पर ही जाएंगे जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो खाने पीने की थोड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं लेकिन चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी और थोड़ी बहुत बेहतर मिल जाती है। तो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ जो कि प्लेटफॉर्म 3 और 4 पर मौजूद है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को क्रॉस करते हैं। अल्लामा इकबाल ने रवानगी का परवाना दे दिया है अपनी। तो वैसे मेरा जो है ये कोच नंबर 2 है, कोच नंबर 2 की 14 नंबर बर्थ, लेकिन ये जो है काफ़ी भरा हुआ है, जबकि आपने देखा कि वो आगे वाले कोच बिल्कुल खाली नहीं है, सुकून का माहौल है, इसीलिए मैं वहीं पर बैठा हुआ हूँ। अल्लामा इकबाल जो है वो जाना शुरू हो गई है। ट्रेन निकल रही है तो दूसरी ट्रेन लग रही है, इसीलिए रोड़ी जो है रात में बहुत ज़्यादा मसरूफ रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक के पीछे एक ट्रेनें लगी हुई हैं और ये जो है ये कराची एक्सप्रेस है और यही जो है आज 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस भी है, यानी कि 2 ट्रेनें जो है वो एक होकर जा रही है लाहौर, क्योंकि लाहौर की ट्रेन आपने देखा ये तेजगाम जो है लाहौर के कोटा के कुछ सारे खाली पड़े हैं, तो इसीलिए जो है वो पाक बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस इन दोनों ट्रेनों में सवारियां इतनी नहीं है, जिस वजह से दोनों ट्रेनों को एक करके चलाया जा रहा है। तो फाइनली स्टेशन में पहुंच चुका हूं बिरयानी लेने के लिए और ऑर्डर जो है मैंने दे दिया है। तो सैरी का जो है वो तो बंदोबस्त हो गया है, तो चलिए अब अपनी ट्रेन में चलते हैं थोड़ी देर में बिरयानी लेकर। तो भाई 300 रुपये की बिरयानी जो है मैंने ले ली है सैरी के लिए और अब मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेन की तरफ। ये जो है ये कराची एक्सप्रेस खड़ी हुई है, मुझे जाना है अपनी तेजगाम में। बाकी मिल तो बहुत कुछ रहा है यहाँ पर, लेकिन यह बाप की मर्जी कि आप क्या खाकर रोज़ा रखना चाहते हैं। तो मुझे ऑल टाइम फेवरेट मेरी बिरयानी ही है, जिस वजह से मैंने बिरयानी ही ली है। तो ये देखिए आप पार्क बिजनेस कराची एक्सप्रेस 2 ट्रेनें एक होकर चल रही हैं लेकिन फिर भी आखिर के कोचेज जो है 2 से 3 तकरीबन खाली पड़े हैं। सिंगल सीट्स तो पीछे वाले कोचेज के भी खाली हैं लेकिन इनकी तो बर्थ वगैरह सब केबिन वेबिन सब खाली पड़े हैं। तो रोड़ी जंक्शन जो है ये टेक्निकल होल्डर तेजगाम का, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ट्रेन में जो है वो पानी वगैरह भरा जा रहा है, भाई वगैरह ऊपर चढ़े हुए हैं पानी भरने के लिए। और इसके अलावा
ड्राइवर हजरात हैं वो भी चेंज हो चुके हैं यहाँ पर, बाकी स्टाफ जो है ट्रेन का वो भी चेंज हो चुका है, और अब जो स्टाफ चढ़ा है वो जाएगा सीधा कराची तक। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो है वो 7 ऑफ तेजगाम एक्सप्रेस भी अप्रोच बना रही है GEU-40 के साथ। और ये था डिपार्टिंग मिसल 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस का, जो कि हमारे बाद आई थी और हमसे पहले निकल रही है रोड़ी जंक्शन से, क्योंकि हमारी ट्रेन के पीछे पीछे आ रही है बिल्कुल 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस जो कि बस पहुंचने वाली है। तो फाइनली 2:11 पर जो है हमारी ट्रेन का डिपार्टिंग मिसल हो गया है रोड़ी जंक्शन से निकलने के लिए, और इस वक्त ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 10 मिनट लेट हो चुकी है। जहाँ जो है वो अभी तक लग रही है प्लेटफॉर्म पर, काफ़ी स्लो लग रही है ट्रेन। ये भाई बैठकर व्हील्स देख रहे हैं, व्हील्स की इंस्पेक्शन हो रही है कि कहीं किसी व्हील में कोई मसला तो नहीं है। और ये 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस भी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है रोड़ी जंक्शन के। जो कि ज़रूर आगे जाकर इस काम को ओवरटेक करेगी। GU-40-9033 ट्रेन को हॉल कर रहा है। रात के जो है वो 2:20 हो रहे हैं, और मैं जो भूख काफ़ी ज़ोर से लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सहरी जो है वो कर लेता हूँ और फिर सुबह उठकर पानी पी लूँगा, यानी कि अलार्म लगा कर जब फजर का टाइम होगा तो उठकर पानी पी लूँगा और अपना रोज़ा जो है वो ट्रेन में रख लूँगा। तो ये रही वो बिरयानी जो मैं अभी लाया हूँ इस रेस्टोरेंट से, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बेहतरीन और टेस्ट में भी अच्छी होगी। तो चले मैं जो है वो अपनी
सैर शुरू करता हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात करते हैं। दोस्तों सैरी जो है वो मैंने कर ली है और धूप जो है वो काफ़ी जोर से लग रही थी, तो इसलिए मैंने सैरी होने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि पहले ही खाना खा लिया है। तो अब मैं जो हूँ थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ सो जाऊँ और फिर सैरी के टाइम उठूँ, पानी पीऊँ और फिर नियत कर लूँ दूसरे की। यार ट्रेन में वाली खैरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाली है कुछ ही देर में, और खैरपुर पर पहुँचने के बाद हम जो है वो थोड़ी देर सो जाते हैं और फिर देखते हैं कि सुबह हमारी आँख कब खुलती है और हम कौन से स्टेशन पर होते हैं। नाइट टूर्नामेंट चल रहा है खैरपुर में बेहतरीन, रात 2:40 में ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर। सन्नाटा हुआ हुआ है लेकिन जगह जगह नाइट क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पर भी नाइट क्रिकेट का एक टूर्नामेंट चल रहा है। ये है रमजान की रौनक है, लड़के जो हैं वो अच्छी तरह से क्रिकेट जो है इंजॉय करते हैं रमजान की रातों में। और मुझे तो लग रहा था कि ये सिर्फ कराची के सीन्स हैं, बल्कि ये तो अब दूसरे शहरों में भी आ रहे हैं। सन्नाटा बिल्कुल अब प्लेटफॉर्म पर, कोई भी ट्रेन नहीं है फिलहाल। चले अब हम भी जो है वो सोने की तैयारी करते हैं, आपसे बात होगी इंशाल्लाह सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों 5:20 मैं अभी उठा हूँ सैरी के लिए, तो ट्रेन जो है हमारी वो नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। तो भाई ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 11 मिनट अर्ली पहुंची है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त हॉल किया है ड्राइवर साहब ने। ट्रेन जो है अब तकरीबन 11 मिनट एक्स्ट्रा रुकेगी, राइट टाइम होकर यहाँ से निकलेगी। बाकी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस जो है वो अभी तक पीछे ही है, और 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस वो इस वक्त हमसे सिर्फ एक स्टेशन आगे सरहारी रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है अभी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन हॉल किया है ड्राइवर साहब ने, और देखा आपने कि सिंध का ट्रैक जो है वो कि बेहतर हो चुका है, काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। ट्रेनें जो हैं जहाँ जिस ट्रैक पर लेट हुआ करती थी अब उसी ट्रैक पर बिफोर टाइम पहुँच रही हैं, तो सखर डिवीज़न पर काम जो है वो तेज़ी से हो रहा है। तो ट्रेन हमारे जो है पूरा राइट टाइम होने के बाद यानी कि 5:36 पर डिपार्ट कर रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से।
बादशाह के वीरान गलियों को छोड़ते हुए काफ़ी गुस्से में जो है जी 40 निकल रहा है नवाबशाह से। तो दोस्तों मेरी अभी 9:30 बजे आँख खुली है और आपने देखा कि हमारी ट्रेन ने अभी अभी स्किप किया है बारान ब्रिज को जाने की जगह कोटरी से हम निकल चुके हैं। और सीन ये है कि हमारी ट्रेन इस वक्त तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लेट हो चुकी है। तो मैं हैरान हूँ कि रात में 10 मिनट बिफोर पहुँचने वाली हर स्टेशन पर ट्रेन हमारी ये 1 घंटा 10 मिनट कैसे लेट हो गई। हालाँकि नवाबशाह तक आपने देखा कि हमारी ट्रेन ऑन टाइम चल रही थी और नवाबशाह पर मैं सोया हूँ तो अभी उठा हूँ, मेरी आँख अभी खुली है तो अभी देखा, मैं तो कुछ हैरान हो गया हूँ कि इतना लेट कैसे हो गई हमारी ट्रेन। खैर ये जो सीन हुआ ये ज़रूर कार्यक्रम की वजह से हुआ होगा क्योंकि 42 डाउन ने हमें जो है ओवरटेक कर दिया है और वो इस वक्त हमसे काफ़ी आगे चल रही है। और हमसे आगे चलने वाली जो 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस थी वो तो तकरीबन कराची पहुँचने वाली है लेकिन हमारी ट्रेन जो है ये इस वक्त तकरीबन 1 घंटा लेट हो चुकी है। जिस तरह की स्पीड में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है
दाबे जी पर महराना एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद ट्रेन हमारी फिर भी आकर रुक रही है दाबे जी स्टेशन पर। तो ट्रेन जो है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट थी जब कोटे से निकली, लेकिन अभी जो है ट्रेन तकरीबन 52 मिनट लेट है तकरीबन, और 18 मिनट ट्रेन ने कवर कर लिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 18 मिनट जो है वो अब ज़्यादा हो जाएंगे जो ट्रेन ने कवर किए हैं, क्योंकि ट्रेन बिला वजह खड़ी हुई है धाबाजी रेलवे स्टेशन पर। चलो जी, विसल तो हुआ है और फाइनली ट्रेन भी मूव होना शुरू हो चुकी है। कोच के हालात है मेरे, आप देख सकते हैं कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं है कोच में इस वक्त, पूरा कोच बिल्कुल खाली पड़ा है ये, और इसलिए मट्टी जो है वो भी आप देख सकते हैं, दर्शन में कोई बैठा नहीं है उस चीज़ पर जितनी मट्टी है। मार्शलिंग यार्ड बीपरी से गुजर रही है सर, तो ट्रेन हमारी तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है यहाँ से। पहले घग्गर फाटक पर रुकी, सबसे पहले ढाबे जी पर रुकी, फिर घग्गर फाटक पर रुकी, और अब फिर कासिम पर रुकी है। अल्लाह खैर करे कि तुम्हारे पर भी ये ट्रेन खड़ी ना हो जाए। तो 11:04 पर हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और ये टाइम तेजगाम का जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर पहुंचने का है। तकरीबन 50 मिनट तक लेट हो चुकी है इस वक्त हमारी ट्रेन।
ट्रेन ऐसा लग रहा है कि रुकने वाली है हमारी यहाँ पर। ट्रैक पर काम हुआ है वैसे, इस वजह से हुई है। तो ये आ चुका है रोशनी का शहर। इस वक्त तो रोशनियाँ सारी बंद हैं क्योंकि दिन निकला हुआ है। ट्रेन जो है हमारी ये रुकने वाली है। वायरलेस गेट फाटक जो है वो शायद बंद नहीं हुआ है, ब्रेक लग गए हैं ट्रेन के। रुक गया तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, मैं यहीं पर उतर जाऊंगा। लेकिन लग रहा है कि लेवल क्रॉसिंग जो है वो बंद कर दी गई है। यस, ट्रेन ने दोबारा स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल हमारे सामने से इसको एयरपोर्ट स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन। ये सारी इंक्रोचमेंट जो है ये कुछ महीनों पहले ही तोड़ी गई है। जितने भी लोगों ने घर आगे किए हुए थे तमाम तोड़ दिए गए रेलवे की जानिब से। ब्रिक कॉलोनी आउटर है ये, और ये जो लाइन आप देख सकते हैं कि जो अलग हुई है ये पहले केसीआर के ट्रैक्स हुआ करते थे। रोड जंक्शन में ट्रेन अप्रोच बना रही है हमारी, तकरीबन एक घंटा लेट हो चुकी है सत्तर ट्रेन। बड़ी ट्रेडिशनल बीट के साथ जो है ट्रेन अप्रोच बना रही है रिंग रोड जंक्शन पर।
सवारियाँ जो हैं 47 और रहमान बाबा एक्सप्रेस की हैं जो उस पर बैठी हुई हैं। तो ये था मेरा सफ़र रहीमिया खान से लेकर कराची तक का GU4903 के साथ तेज़गाम एक्सप्रेस में। तो ट्रेन हमारी तकरीबन एक घंटे तक लेट हो गई, हालांकि नवाबशाह तक हमारी ट्रेन 10 मिनट्स बिफोर चल रही थी। और ये सब हुआ तो हुआ सिर्फ कराकरम की वजह से, क्योंकि कराकरम के ओवरटेक के चक्कर में जो ट्रेन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया। खैर, सफ़र जो है हमारा काफ़ी अच्छा गुजरा। आपने देखा शहर ही हमने जो है वो सफ़र में ही की अपनी रोड़ी से लेकर। तो रमज़ान में जो है सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिस वजह से काफ़ी लोग जो हैं सफ़र करने से कतराते हैं। आज मुझे सफ़र करने के बाद जो है ये एहसास हो रहा है, क्योंकि जब ख़ुद पर गुजरती है तभी जान पाते हैं सही से कि रमज़ान में रोज़ा रखकर कितना मुश्किल होता है सफ़र करना। गर्मी भी सब अच्छी खासी हो रही है कराची में। तो किराए की बात करूँ साथ साथ अगर, तो तेज़गाम का रहीमिया खान से कराची तक का किराया पड़ा है मुझे 2550 रुपये का, जबकि अल्लामा इकबाल, मिल्लत एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, इनके किराए जो हैं ये तकरीबन 2050 हैं इस तेज़गाम का। पता नहीं क्यों फजूल में किराए बढ़ाए हुए हैं और 500 रुपये ज़्यादा पे करके मुझे इसमें बर्थ मिली है। खैर, बर्थ अवेलेबल नहीं थी उन ट्रेनों में, इसलिए मैं सोचा कि इसमें चलते हैं। इसमें तो आपने देखा कि पूरे पूरे कोचेज ही खाली पड़े हैं। तो रहीमिया खान से तो सिर्फ एक बर्थ अवेलेबल थी, लेकिन ये कोचेज, लेकिन ये जो दो खाली कोचेज़ हैं ये सारे जो हैं ये लाहौर कोटा में आते हैं, ये Extension 1 और Extension 2। बाकी जितनी भी सीट्स आ रही थी वो लाहौर कोटा में आ रही थी, जिसके चलते ट्रेन जो है खाली है, क्योंकि लाहौर कराची की इतनी सवारियां नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान रेलवेज़ पता नहीं क्यों लाहौर कराची के पीछे ही पड़ा हुआ है। हाँ, माना कि ये काफ़ी चलता हुआ रूट है, लेकिन इतना भी चलता हुआ नहीं है कि सारी ट्रेनें ही इस रूट पर चला दी जाएँ और बाकी रूट्स को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है हमारी डिपार्ट कर रही है। तो ये स्पेशली जो एक्सटेंशन के कोचेज़ हैं ये लाहौर कोटा से लगाए जाते हैं, और ये स्पेशली लाहौर और कराची की जो आवाम होती है उनके लिए होते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं दोनों कोचेज़ जो हैं बिल्कुल खाली हैं, जबकि पीछे के कोचेज़ जो हैं उनमें लोगों के रिजर्वेशन है, और ये इनकी इनमें रिजर्वेशन जो है वो बीच के स्टेशन से भी हो जाती है, जिस वजह से ये कोचेज़ में जो है आपको आवाम दिखाई देगी बैठी हुई। इतनी नहीं है आवाम, लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए हैं, लोगों ने रिजर्वेशन करवाई हुई। बाकी आगे वाले दो जो कोचेज हैं वो तो स्पेशली लाहौर कराची के लिए ही हैं सिर्फ। ये मेरा कोच जिसमें मैंने झांक कर भी नहीं देखा पूरे सफ़र में। तकरीबन 6 इकोनॉमी क्लास के कोचेज जो हैं ये लाहौर से लगाए जाते हैं, बिजनेस क्लास के सारे कोचेज जो हैं वो CNR लगे हुए हैं बेहतरीन। एक नया CFI AC स्लीपर लगा हुआ है आज। पिंडी कोटा के जो इकॉनमी क्लास कोचेज हैं इनकी हालत काफ़ी बेहतर है, काफ़ी न्यू कोचेज लगे हुए हैं। तो ये थी तेज़गाम आज की। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.